तो आज का व्लॉग है मेरा, मैं अपनी को साड़ी का कलेक्शन दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बताइएगा ठीक है ठीक है। तो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी, ये कुछ इस टाइप की है। मैं आज अपनी सिर्फ हैवी साड़ी का कलेक्शन दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सिंपल भी दिखाती तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती। तो आज का मतलब ये ब्लॉग सिर्फ हैवी साड़ियों का है। तो ये है कुछ इस टाइप की येलो कलर की साड़ी। उसके बाद ये मेरी कल साड़ी कुछ इस टाइप से है। ये इसकी प्लेट्स हैं और ये इसका पल्लू है, ये दो कॉम्बिनेशन में। कैसे ठीक करूंगी मैं, कुछ ज्यादा ही बिखरा दिया है मैंने। ठीक है, तो ये इस तरह की साड़ी है और ये एक साड़ी है जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। इसको मैंने रखा है तीज पे पहनने के लिए, तो मैं इसको तीज पे पहनूंगी। तीज पे न्यू साड़ी पहनी जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इसी में से रख लूँ। तो ये मेरी न्यू साड़ी है और अभी तक मैंने इसे पहना नहीं है, इसको मैं तीज वाले दिन ही पहनूंगी। और मुझे पसंद भी आई ये साड़ी, इसका पल्लू कुछ इस तरह से है। इसको मैंने तैयार करके रखा है। मुझे इस टाइप के ब्लाउज मतलब लंबे बाजू वाले ब्लाउज पसंद है, तो मैंने इसको लंबा ही बनाया। और ये है एक साड़ी जिसमें लाइन से हाथी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये तो इन्हीं से पूछने में पता चलने वाला है। तो मेरे पास डबल शेड में साड़ियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे डबल शेड में साड़ियाँ पसंद है। और एक साड़ी है, और ये भी डबल शेड में है साड़ी, फ्रेल में। ये कुछ इस तरह की साड़ी है। ये सिंपल साड़ी, मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरे को ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो मुझे ब्लू चीज़ें जल्दी पसंद आती हैं। तो एक ये साड़ी है जो सिंपल है पर मुझे पसंद आई। तो आई होप अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं अपनी कभी और जो मेरी नॉर्मल साड़ियाँ हैं मैं उनको भी दिखा दूँगी आप लोगों को, तो बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कौन सी साड़ी पसंद आई और कौन सी साड़ी नहीं, क्योंकि सभी की पसंद अलग अलग होती है। मतलब मुझे ये सभी साड़ियाँ बहुत पसंद है। सो वीडियो को अगर यहाँ तक देखा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।